पड़ोसी देश के लोग जो भाषा बोलते हैं, ऐसा लग रहा है उनके साथ बड़ा तालमेल नजर आ रहा है। तरह तरह के बहाने बनाकर ये महाराष्ट्र की देश की भावनाओं के साथ खड़े रहने में संकोच कर। साथियों, हमारे लिए तो 5 अगस्त का निर्णय अटल है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए रास्ते पर लाने का निश्चय भी अटल है। और आज मैं महाराष्ट्र की धरती, बाबा साहब अंबेडकर की धरती से, महात्मा ज्योतिबा फुले की धरती से, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं विरोधियों को चुनौती देता हूं। मैं विरोधियों को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में स्पष्ट स्टैंड लेकर के आप सामने आए। अगर आप में हिम्मत है और कान खोल करके हमारे विरोधी सुन ले, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में भी और आने वाले चुनावों में भी आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में अनाप शनाप बातें करने वाले लोग, अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370 35A जो भाजपा ने मोदी सरकार ने हटाई है वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। हिम्मत है तो करो। 5 अगस्त के निर्णय को हम बदल देंगे। चुनौती देता हूं मैं, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। आप मुझे बताइए, ये रोज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इनमें किसी में दम है अब 370 वापिस ले आ पाए? है दम? आप लोग लाने देंगे क्या? हिंदुस्तान लाने देगा? और लाने की कोशिश करेगा वो बच पाएगा क्या? उसका राजनीतिक भविष्य बचेगा क्या? देश को स्वीकार करेगा क्या? जब इन लोगों को भी मालूम है उनकी चलने वाली नहीं है तो फिर घड़ियाली आंसू क्या बाहर है?